संजीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक नहीं हूँ पर ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे है रियो। कहाँ गया रियो? हाँ यहाँ पे है रियो जो मेडिसिन का बोनिसन का बोतल लेके सोच रहा है कि कहाँ रखना है, क्योंकि उसके उसके पैंट में पॉकेट नहीं है तो वो ढूंढ रहा है जगह। तो एक बार उसने पैंट खोल के पूरा अंदर अंदर डाल दिया था। और ये देखिए रियो प्रीत दिखा रहा है। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड के छोटे टाइम का फोटो है। पापा आ जाए तो मम्मी जी उस दिन कुछ निकाल रही थी पुराने कागज और फोटोग्राफ्स कुछ, तो उनमें से मुझे ये मिला। तो एक फ्रेम था थोड़ा सा टूटा हुआ था पर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ठीक कर दिया और इसमें इनका फोटो डाल के मैंने रख दिया। ये मैं लगा दिया, अभी चिपकाना है इसको। अभी वॉल में तो नहीं चिपक रहा इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो देखेंगे रखूँगी कहीं पे। तो तुम जाओ अच्छा ठीक है। और यहाँ पे है मम्मी जी जो अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्योंकि वो बालों में कभी कलर नहीं करती। और सामने से इनका थोड़ा बहुत हेयर जो है ना थोड़ा ग्रे हो चुका है एकदम थोड़े बहुत, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सोच रहे बोल रहे कि पीछे से अगर ग्रे हो जाता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था पर सामने से हुआ है। तो मैं वो वैसे नॉर्मली परंपरा का जो है ना है मैं भी करती हूँ, मम्मी जी भी करती है, तो नॉर्मली है ना कर रही है पर उससे कुछ अच्छा मतलब इतना हो नहीं रहा है। तो मैंने मम्मी जी को बोला कि आप कलर करवा लो लाइट सा कुछ बरगंडी या फिर और भी बहुत सारे शेड से, पार्लर में जाके करवाओगे तो बहुत कुछ कलर दिखा देंगे वो लोग। देखिए तो देखेंगे क्या करना है, क्योंकि मैं मम्मी जी रियो जा रहे हैं थोड़ा बाहर थोड़ा कुछ शॉपिंग करने। वो मैं बाद में दिखाऊंगी क्या करूंगी, अगर पसंद आएगा सामने से सामने में ही जा रहे क्योंकि ऑलरेडी 6:30 बज चुका है। हम लोग थोड़े आराम से ही जा रहे। रियो सो रहा था अभी उठा, फिर उन्होंने उनको मम्मी जी ने काढ़ा बना के दिया, फिर मम्मी जी ने चाय पी, मैंने नहीं पिया, बच्चों को दूध वगैरह दिया। अरे प्रीत नहीं जाएगा क्योंकि प्रीत का भी मैम आती होंगी तो प्रीत पड़ेगा घर पे। भाई सब लोग हैं वो लोग देखेंगे और मैं मम्मी जी रियो होके आते हैं बाहर से। जाके आराम से दिखाएंगे क्या क्या लाए हैं। तो अभी मैंने बिठाया है चाय, जाने के पहले भी दे दिया था चाय, मम्मी जी ने इनको दिया था काढ़ा बना के और मम्मी जी को मैंने दिया था चाय, फिर बच्चे लोगों ने दूध पिया, प्रीत को कॉर्नफ्लेक्स दिया, अभी आते टाइम समोसा लाए थे, भाई बोल रहा था कुछ खाने के लिए लाना तो सबको दे दिया। मम्मी जी अपने लिए नहीं लाई थी, उनको नहीं खाना था, मुझे भी नहीं खाना था, तो एक बच गया तो सोचे मैं और मम्मी जी शेयर करके खा लेंगे। तो चलिए ब्लैक टी इज रेडी। किचन में लाइट बहुत कम है, काला काला लगता है, वैसे भी मैं काली और लाइट के वजह से और भी काला। कोई नहीं, बंगाली में कहावत है कालो जो होते रालो, तो मैं अपने आप को वही समझती हूँ। घर मोरे परदेसिया, तुम आके ना एक टू जा देनी, जब भी चाय बनाओ बस रियो को चाहिए होता है, रियो आ जाता है अपना लेने, इसके वजह से चाय नहीं पीते हैं पी पाते हम लोग। पी पापा ये पैकेट का फैलाया सुना डस्टबिन में, देखिए समझो ना तुम सिंगार खेचो ना आगे फैले छो। तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं समोसे के साथ। हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया है आज, शॉपिंग मम्मी जी के लिए करना था पर सबके लिए डाल दी
बच्चे की चाय पीते हैं उसके बाद इतने टाइम तक रिया बोल रहा था कि कब उसका है मेरा चाय मेरा चाय अभी मम्मी जी का ले रहा है अभी मम्मी जी का कब उसका है There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. I would. When nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. I would, I would. We talk on the phone. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that. तो यही रियो का दलिया, फिर रियो को मैं खिला दूंगी. 8:30 बज चुके हैं, वो 9 बजे तक सो जाएगा. बाद में अगर हो पाएगा मैं 2 बिस्किट खिला दूंगी. फिलहाल मैं दलिया, ये मेरे और रियो के लिए है. मैं भी खा लूँगी आज दलिया, क्योंकि दलिया थोड़ा ज़्यादा बना था. और रात में बनेगा आज रोटी, भाई बोल रहे हैं रोटी खाएगा. मैं भी खा लेती पर दलिया बच जाएगा, इस वजह से मैं दलिया खा लूँगी. मम्मी जी इधर है, पटी हो रही है. मम्मी जी यहाँ पे पियो कि कुछ हो. दौड़ो ना, दौड़ो ना. You have my soul, you have my whole, you have my control.
Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever. अभी बज चुके हैं रात के पूरे 9. अभी रियो सो जाएगा, 5-10 मिनट में रियो आराम से सो जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वही ये डेली का रूटीन होता है, रियो को खिला के फिर उसको क्लीन करके ड्रेस चेंज करके। तो रियो अभी और बात करने के मूड में नहीं है, ही इज़ फीलिंग वेरी स्लीपी। तो चलिए मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, उसको सुला देती हूँ, ठीक है। बनी है, भाई ने बनाया है एकदम, और यहाँ पे बन रहा है कुछ, भाई खाएगा तो मम्मी जी को मैंने बोला है मैं भी खाऊंगी। यहाँ पे बन रही है रोटी, तो मैं भी खाऊंगी एक कुछ। फ्यू मिनट्स एगो आई वाज थिंकिंग कि मैं दलिया खा लूंगी एक कुछ के साथ, बट एट प्रेजेंट मेरा मन हो रहा है कि रोटी, गर्मा गर्म रोटी और आलूदम और साथ में एक कुछ खाने का। बहुत ज़्यादा कॉफ है, तो दलिया को मैंने फ्रिज में रख दिया है और मैं अभी खाने वाली हूँ रोटी। 2 रोटी खाऊंगी, थोड़ा सा आलूदम और एक कुछ, तो आज का डिनर जम जाएगा। और जो शॉपिंग हुआ है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है दिखाने का, तो शॉपिंग में बाद में दिखाऊंगी, पहले खा लेती हूँ। क्योंकि आज ना एक्चुअली मैं रात को, कल रात को मैं 3 बजे सोई हूँ और दिन में भी मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, सो आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। तो पहले मैं डिनर कर लेती हूँ फटाफट से, रियो भी सो चुका है यू कैन सी। तो मैं अभी उसको डायपर पहनाऊँगी, क्योंकि वो जगा रहता है ना तो डायपर नहीं पहनता है, तो उसको डायपर पहनाऊँगी या मैं फटाफट से डिनर करके मैं अभी जल्दी से सो जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से डिनर कर लेते हैं। तो सबका हो चुका है, ये है मेरा प्लेट, मैं भी खाऊंगी। यहाँ पे खा रहा है प्रीत। आलू ये गया, प्याज हो गया, आलू दम बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, परफेक्ट एकदम। चलिए फटाफट से मैं खा लेती हूँ, मम्मी जी बोलते खा दे, बात नहीं करना चाहिए, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता और इतना टेस्टी खाना हो सामने तो कौन बात करेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए फ्रेश ब्लॉग में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मत करना। तब तक के लिए आप लोग के साथ रहिए, जितना हो सके अच्छा टाइम स्पेंड करिए, और कभी कभी घर के दूसरे मेंबर्स को भी बोलिए कि खाना बना के आपको खिलाए, जैसे कि भाई खिलाता है, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खिलाते। तो चलिए और बात नहीं करती हूँ, नहीं तो डिनर का मज़ा ख़राब हो जाएगा। गुड नाइट। Choo-choo!